एक बार की बात है, चंपकपुर नाम के शहर में अनीता नाम की एक औरत रहती थी। अनीता दुनिया की सबसे बड़ी झूठी और धोखेबाज औरत थी। वह हमेशा बात बात पर झूठ बोला करती थी। फिर एक दिन अनीता अपनी कुछ सहेलियों के साथ शॉपिंग करने जाती है। उसकी सहेलियां ढेर सारा सामान खरीदती है। अनीता भी अपनी सहेलियों की तरह ढेर सारा सामान खरीद लेती है। लेकिन जब दुकानदार को पैसे देने की बारी आती है तो अनीता जानबूझकर अपनी सहेलियों से झूठ बोलती है कि उसका पर्स घर पर छूट गया है। अरे कोमल, अब क्या बताऊं, जल्दी जल्दी में मैं अपना पर्स घर में ही भूल गई। एक काम कर, मेरे बिल के पैसे तू दे दे, घर जाते ही मैं तुझे तेरे पैसे लौटा दूंगी। कोमल अनीता पर भरोसा करके दुकानदार को पैसे दे देती है। फिर अगले दिन कोमल अनीता से अपने पैसे मांगने जाती है। अनीता, कल शॉपिंग मॉल में मैंने तुम्हारे बिल के जो पैसे चुकाए थे, मैं वो वापस लेने आई हूँ। अरे अब क्या बताऊँ कोमल, सुबह से सारा घर छान मारा लेकिन अभी तक मुझे मेरा पर्स कहीं नहीं मिला। तुझे तो सिर्फ 4,000 रुपए देने हैं लेकिन मेरे पर्स में पूरे 20,000 रुपए थे। हे भगवान, अगर मुझे मेरा पर्स नहीं मिला तो गजब हो जाएगा। कोई बात नहीं अनीता, तू परेशान मत हो, जब तुझे तेरा पर्स मिल जाए तो मेरे पैसे लौटा देना। इस तरह अनीता बड़ी सफाई के साथ कोमल से झूठ बोलकर उसे पैसे देने से बच जाती है। तभी वह अनीता की बहू भारती आ जाती है। अपनी सास का झूठ बोलना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। मम्मी जी, आपको कोमल आंटी से इस तरह झूठ नहीं बोलना चाहिए था। आपका पर्स तो आपके बेडरूम में रखा है, फिर आपने उन्हें पैसे क्यों नहीं दिए? आखिर उन्होंने ही तो आपके बुरे वक्त में मदद की थी। देख, मुझे सिखाने की कोशिश मत कर, मैं तेरी सास हूँ और तुझसे उम्र में बड़ी हूँ। क्या सही है क्या गलत है मैं तुझसे ज्यादा जानती हूँ, इसीलिए तू अपनी सलाह अपने पास रखा कर। इतना कहकर अनीता वहाँ से चली जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन अनीता के घर में एक साधु महाराज भिक्षा मांगने आते हैं। माता जी, मैं 2 दिनों से भूखा हूँ, अगर आपके घर में कुछ खाने के लिए हो तो मुझे दे दीजिए, भगवान आपका भला करेगा। अब क्या बताऊँ साधु महाराज, आप तो 2-4 दिन से भूखे हैं, मेरे घर में तो 4 दिनों से खाना नहीं बना है, बहुत मुश्किलों से हमारे दिन गुजर रहे हैं। तभी साधु महाराज को अपनी दिव्य दृष्टि से पता चल जाता है कि अनीता उनसे झूठ बोल रही है। साधु महाराज अनीता को सबक सिखाने के लिए उसे श्राप देते हैं कि आज के बाद अनीता जो भी कहेगी वह बात सच हो जाएगी। फिर अगले दिन अनीता को उसकी एक सहेली का फोन आता है। हेलो अनीता, तुझे याद है ना, पिछले महीने तूने मुझे अपने घर खाना खाने के लिए बुलाया था। आज संडे है इसलिए मैं अपने परिवार के साथ आज तेरे घर पर आ रही हूँ। अपनी सहेली की बात सुनकर अनीता अपने मन में सोचती है, अरे मैंने तो इसे यूं ही झूठ कहा था, लेकिन ये तो सचमुच मेरे घर आकर खाना खाने की बात कर रही है। हे भगवान, इसका परिवार तो बहुत बड़ा है, इतने लोगों को मुफ्त में खाना खिलाने वाली मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ। उसके बाद अनीता अपनी सहेली को टालने के लिए उससे झूठ बोलना शुरू कर देती है। अब क्या बताऊं सुधा, आज सवेरे ही मेरे घर का सिलेंडर फट गया और पूरा रसोई घर जलकर राख हो गया है। हे भगवान, ये तो बहुत बुरा हुआ। चल ठीक है, मैं फिर कभी तेरे घर खाना खाने आ जाऊंगी। यह सुनकर अनीता मन ही मन बहुत खुश होती है। लेकिन जैसे ही अनीता फोन रखकर रसोई घर की ओर जाने लगती है कि तभी सचमुच रसोई घर का सिलेंडर फट जाता है और पूरे रसोई घर में आग लग जाती है। फिर देखते ही देखते पूरा रसोई घर जलने लगता है। हे भगवान, ये कैसे हो गया, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी वहाँ अनीता की बहू भारती आ जाती है। दोनों सास बहू मिलकर किसी तरह रसोई घर की आग बुझाती है। उस दिन से अनीता जो भी बात कहती वह बात सच हो जाती थी। फिर एक दिन गांव से अनीता की चचेरी बहन सुनीता उसे फोन करती है। अनीता, अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी होने वाली है, शादी की तैयारी में काफी खर्च हो गया है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तू 50,000 रुपए देकर मेरी मदद कर। अरे नहीं सुनीता, इस वक्त मैं तुझे 50,000 रुपए नहीं दे सकती, दरअसल कल रात को मेरे घर में चोरी हो गई, चोर घर में रखे सारे पैसे और गहने चुरा कर ले गए, मैं अभी अभी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखा कर आई हूँ। अरे बाप रे, ये तो बहुत बुरा हुआ। चल कोई बात नहीं अनीता, मैं किसी और से पैसे मांग लेती हूँ। इतना कहकर सुनीता फोन रख देती है। फिर उसी रात सचमुच अनीता के घर में चोरी हो जाती है
और चोर उसके घर में रखे सारे पैसे और गहने चुराकर फरार हो जाते हैं। अगली सुबह जब अनीता को इस बात का पता चलता है तो वह अपनी किस्मत को कोसते हुए जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं जो भी झूठ कह रही हूँ, ये सब बात सच क्यों हो रही है? तभी वहाँ साधु महाराज आ जाते हैं। साधु महाराज अनीता को सारी बात बता देते हैं कि यह सब उन्हीं के दिए हुए श्राप की वजह से हो रहा है, क्योंकि वह अनीता को सही रास्ते पर लाना चाहते थे। यह सुनते ही अनीता साधु महाराज के पैरों पर गिरकर उनसे माफी मांगने लगती है और जिंदगी में फिर कभी झूठ ना बोलने की कसम खाती है। साधु महाराज को अनीता पर दया आ जाती है और वह अपनी शक्ति से सब कुछ पहले की तरह ठीक कर देते हैं। उस दिन से अनीता पूरी तरह सुधर जाती है और झूठ बोलना बंद कर देती है। यह देख अनीता की बहू भारती बहुत खुश होती है। उसके बाद दोनों सास बहू मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी झूठ बोलकर किसी को धोखा नहीं देना चाहिए और हमेशा ईमानदारी के साथ सच बोलना चाहिए।